हेलो फ्रेंड्स, बॉन्ग डेलिकेसीज़ के और एक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं माइक्रोवेव में बंगाली भापा इलिश और स्टीम्ड हिलसा का रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इंग्रेडिएंट्स। स्टीम्ड हिलसा बनाने के लिए मैंने 4 हिलसा फिश के पीसेस ले लिया है और सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर से मैरिनेट करके रखा है। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और 8 ग्रीन चिलीज को हमालदिस्ते में थोड़ा सा कूट लिया है और यहाँ पे है येलो मस्टर्ड पेस्ट। मैंने 3 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स को एक हरी मिर्ची के साथ पीस लिया है। मैंने एक ओवन प्रूफ डिश ले लिया है। अब मैं इसमें मैरिनेटेड फिश पीसेस को रखूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और कुटी हुई हरी मिर्च। आप लोग अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ऐड कर लीजिएगा। अब इन सब मसालों के साथ फिश को अच्छे से दोनों तरफ से कोट कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक और बहुत थोड़ा सा पानी। अब इसमें दे दूंगी 4 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब अपने हिसाब से सरसों के तेल का मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अब मैं इस डिश को माइक्रोवेव में डालूंगी। डिश को मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक माइक्रोवेव प्रूफ लीड लगा दूंगी। अगर आपके पास क्लीन फिल्म रैप हो तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं। क्लीन फिल्म रैप लगाने के बाद छुरी से उसमें होल कर दीजिए ताकि स्टीम अच्छे से एस्केप कर सके। अब मैं माइक्रो हाई में, जो कि मेरा 900 वॉट्स है, उसमें 5 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी। बंगाली भापा इलिश और स्टीम ढिलसा एकदम रेडी हो गया है। मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। 5 मिनट में माइक्रोवेव में स्टीम ढिलसा एकदम रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।